सीएम जेरा कांग्रेस ने डिकलेयर किया। अंदर खाते कलेष पखना शुरू हो चुका है। नवजोत कौर सिद्धू का बयान आया है। नवजोत कौर सिद्धू ने चरणजीत चन्नी से तंज कसिया है कि राहुल गांधी को मिसलीड किया गया। मिसलीड किसने किया सवाल सब तो बड़ा यही है। सीएम चन्नी को गरीब कहना गलत है। साढ़े तो जायदाद चरणजीत सिंह चन्नी की है, ये नवजोत कौर सिद्धू कह रहे हैं। नवजोत सिद्धू पंजाब कांग्रेस प्रधान दे धर्म पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का वड्डा बयान आया है कि पढ़े लिखे आगू नूं सूबे की कमान देनी चाहीदी है। He's a very rich man. he's a very very rich man. His returns also show that, you know. So it's not good to label him as poor. He has a huge house. He has a bank balance which is more than us. And so he's not a poor person. And it's not fair also. Just you know, merit has to be counted. Otherwise, the state will never prosper. Throughout India, I say rules have to be changed. People have to realize that people who are making rules, they are not so educated as they are making rules for the public who is much more educated. And there is competition in each and every field, might be engineering, might be medicine, might be any profession. It is so tough to reach the top. So why don't you choose the toppers to make rules for the state? Yes, irrespective of he being my husband, I would have never said if you know he was not capable, because I know, I believe, and his model is so good that within 6 months Punjab would have been out of this. Rahul Gandhi was misled somewhere. Yes. सब तो वड्डा बयान नवजोत कौर सिद्धू ने दिता है कि नवजोत सिंह सिद्धू सीएम ओदे लई काबिल उम्मीदवार ने, कैपेबल कैंडीडेट फॉर सीएम शिप। तुहानू दस दिए कि नवजोत कौर सिद्धू एक वड्डा बयान दे के गए ने। हालांकि राहुल गांधी पंजाब आए सी, राहुल गांधी ने कहा सी कि दोहां लीडर ने गड्डी च बैठ के सहुं खाधी है कि जिन्हों मर्जी सीएम शिप दे लई अहुदेदार बना दिओ, सीएम फेस डिकलेयर कर दिओ, असीं चलण नूं तैयार हाँ। नवजोत सिद्धू ते चरणजीत चन्नी दे संदर्भ चों गल कीती गई सी, पर चरणजीत चन्नी नूं सीएम फेस 2022 डिकलेयर कर दिता गया। जिस वेले राहुल गांधी ने डिकलेयर किया तो नवजोत सिंह सिद्धू ने चरणजीत चन्नी का हाथ खड़ा करन दे विच सब तो पहला भूमिका निभाई सी। पर नवजोत कौर सिद्धू की कहिंदे ने, नवजोत कौर सिद्धू कहिंदे ने कि चरणजीत चन्नी गरीब नहीं, ही हैज़ बैंक बैलेंस, उन्हां कोल बैंक बैलेंस है, उन्हां कोल करोड़ां रुपए है। राहुल गांधी नूं मिसलीड किया गया, राहुल गांधी नूं गलत जानकारी दित्ती गई सीएम चुनन वेले। पर सब तो वड्डा सवाल यह है जे राहुल गांधी नूं मिसलीड किया गया तो किन्हां ने किया, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद कबूलिया सी, खुद मन्निया सी कि मुख्यमंत्री का चेहरा पंजाब की जनता तय करेगी। मैं विधायकों नूं पुछिया, राहुल गांधी की स्टेटमेंट सी कि मैं विधायकों नूं पुछिया कि कौन सीएम फेस होना चाहिए, तो सब ने कहा कि चरणजीत चन्नी होने चाहिए है। की विधायकों ने मिसलीड किया, सब तो अहम सवाल यह है। जे नवजोत कौर सिद्धू मानते हैं कि राहुल गांधी नूं मिसलीड किया गया, गलत जानकारी दिती गई, तो किन्हां ने जानकारी दिती। दूजा सब तो वड्डा सवाल यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू, जे नवजोत कौर सिद्धू नूं लगते ने कि काबल सीएम अहुदे दे उम्मीदवार ने, तो फिर गांधी परिवार नूं क्यों नहीं लगता कि सिद्धू सीएम फेस हो सकते हैं, यह भी वड्डा सवाल अज की इस स्टेटमेंट के निकलिया। तो तीजा सब तो वड्डा सवाल यह है कि पढ़े लिखे आगू नूं सूबे की कमान देनी चाहिए है, यानी कि सैटिस्फैक्शन नहीं, संतुष्टि नहीं जो सीएम फेस कांग्रेस ने डिकलेयर किया है, तीजा सवाल इस बयान के वड्डा होकर निकलता है। तो चौथा वड्डा सवाल किहड़ा है, चौथा वड्डा सवाल यह है कि जे राहुल गांधी तो नवजोत सिंह सिद्धू ते चरणजीत चन्नी ने इको कार च बह के चर्चा की सी कि असी चलण नूं तैयार हाँ, तुसी सीएम फेस डिकलेयर करो, तो अहम सवाल सब तो वड्डा यह है कि उस तो बाद इस तरह के बयान सियासी मायने च आ, सियासी सफा च कि जगह रखते हैं। ये भी तुहानूं दस दिए, जदों राहुल गांधी संबोधन कर रहे सी, जदों कह रहे सी कि चन्नी सीएम फेस होणगे, तां राहुल गांधी ने मन्निया सी
कि चरणजीत सिंह चन्नी एक गरीब बंदा है, गरीब सियासतदान है। पंजाब के लोगों ने कहा हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी, हमारे से ज्यादा अमीर है, हमारे से ज्यादा अमीर है। उसका घर देख लो, उसका पैसा देख लो, उसके रिटर्न देख लो, उसके पास हमारे से ज्यादा पैसे हैं। दैट शुड नॉट, मनी इज नो क्राइटेरिया फॉर मेकिंग अ पर्सन यू नो एट पुटिंग हिम एट सच अ हाई पोजीशन। आई थिंक ओनली योर पर्टिकुलर्स, योर मेरिट, योर एजुकेशन, योर वर्क, योर ऑनेस्टी, ऑल दीज थिंग्स शुड बी काउंटेड। सो वड्डा बयान नवजोत कौर सिद्धू ने दिता है कि साढ़े नालों ज़्यादा पैसा तो चरणजीत सिंह चन्नी कोल है। काबिलियत आधार से जिहड़ा सीएम फेस डिकलेयर करना चाहिए सी, हालांकि राहुल गांधी ने कहा सी कि चरणजीत चन्नी बहुत गरीब उम्मीदवार ने जिन्हों असी सीएम फेस बना रहे हैं। अर्शदीप खड़ियाल कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन साडे नाल जुड़ चुके ने। खड़ियाल साहब, नवजोत कौर सिद्धू का बयान किवें देखदे हो? मिसिस सिद्धू कहिंदे है कि चन्नी साहब साढ़े नालों वध अमीर ने, तो दूजा वड्डा सवाल उन्होंने चुकया कि पढ़े लिखे लीडर नूं कमांड देनी चाहिए है। जी देखो, पहली गल तो पार्टी दे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आज भी कायम है। एक लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, अनलाइक द बीजेपी या आम आदमी पार्टी, असि अपने लीडर्स नूं पनिश नहीं करते एक डिफरेंस इन ओपीनियन रखने लिए। जिवें आम आदमी पार्टी ने अपने को फाउंडर प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, सुचा सिंह छोटे पुत्र, अमीर गांधी, सुखपाल खेरा लीडर्स कटे। बीजेपी ने पांच मुख्यमंत्री सत महीनों च रिप्लेस किए, असं उवें नहीं करते। साडी पार्टी दे विच लोग बोल सकते, लीडर्स बोल सकते, मतभेद रख सकते, लेकिन मनभेद नहीं है। मतभेद पंजाब दे विकास नूं लैके है, विच इज परफेक्टली ऑल। खड़ियाल साहब, सब तो वड्डा बयान तां इह दित्ता गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू सीएम उहदे लई काबिल उम्मीदवार है, तां राहुल गांधी नूं क्यों नहीं लग्गिया फिर? देखो नंबर एक, बिल्कुल काबिल ने, इह तां किसे ने नहीं कहा वी काबिल नहीं हैगे, लेकिन वन हैज टू चूज। देखो एक ने सीएम फेस बनना होंदा है, काबिल दोनों है, लेकिन ओनली वन कुड हैव बिकम द सीएम। ते सारा जिहड़ा 1.5 करोड़ वोटर्स ने चूज किया, पार्टी वर्कर्स ने चूज किया, लीडरशिप ने चूज किया, 1.5 करोड़ वोटर्स पंजाबी थोड़े नहीं होंदे, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਬਿਲ ਦੋਨੋਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਿਸ ਸਿੱਧੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। मैं तुम्हें एक सिंपल जी चीज कह रहा, देखो ये छोटे चीज है, मैटर यह करता है कि पार्टी काम कि ना कर रही है। सब तो सस्ती बिजली है, पानी के बिजली के बिल वेव ऑफ है, वेव्ड ऑफ है, डीजल पेट्रोल का रेट कट गया, मिनिमम वेज वध गई, सो एवरीथिंग इज ऑन अ बेटर ट्रैक। ठीक है खड़ियाल साहब, पर यह तुहाडे जिहड़े प्रतिक्रम ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी तो, प्रतपाल सिंह बलीवाल पीएलसी तो जुड़े ने। बलीवाल साहब, नवजोत सिंह सिद्धू के धर्म पत्नी कहिंदे ने कि सीएम फेस लई राहुल गांधी ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਲੀਡ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੀਬਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਡੀ ਐਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਡਿਆਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਤਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਵਧੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਆ ਲੈਣਾ
ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈ। ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 78 MLAs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਨੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ।